संसार परिवर्तनशील है और जीवन भी, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। इसलिए किसी भी बात का अभिमान ना करें। प्राय लोग अपनी संपत्ति का अभिमान करते कि मेरे पास इतना धन है, इतने जमीन है, इतने मकान है, इतने गाड़ियां है, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी विद्या है, इतनी बुद्धि है, इतना बल है, इतने लोग मेरे परिचित है, वे सब मुझे सम्मान देते हैं, इतने लोग मेरे पास है इत्यादि। इन सब चीज़ों का, पूरे चीज़ों का लोग अभिमान करते हैं और ये भी सोचते हैं कि हम तो हमेशा जिएंगे, मरेंगे तो विदेशी लोग या अपने देश के दूसरे लोग, हम थोड़ी मरेंगे। इस प्रकार की भ्रांति में लगभग सारे संसार के लोग हैं। जबकि सत्य यह है, कल का कोई भी भरोसा नहीं है। कल तो क्या, एक घंटे का भी कोई भरोसा नहीं कि एक घंटे में क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। किसी के जीवन का कोई गारंटी नहीं कि वह रात को सोएगा तो सुबह उठेगा या नहीं। कितने ही लोग रात को सोते सोते संसार से चल देते, सुबह उठते नहीं। बहुत से लोगों को रात को हृदय रोग, हार्ट अटैक हो जाता है। कितने ही लोग दिन या रात्रि में भूकंप में मारे जाते। कोई व्यक्ति रेल दुर्घटना में, कोई विमान दुर्घटना में, कोई सड़क दुर्घटना में कभी भी मर सकता, चोट खा सकता, हानि उठा सकता, विकलांग हो सकता इत्यादि, किसी भी तरह से नुकसान उठा सकता। इन सब घटनाओं में से कल किसी के जीवन में कौन सी घटना घटेगी, ये बात किसी को नहीं मालूम। यदि किसी के जीवन में ऐसी कोई घटना घटी तो उससे उसका आगे का जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। तब वैसे ही घटना घटने के बाद उसका सारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। उन दुर्घटनाओं के चोट से जो दुख होगा वो सारे अविद्या अभिमान का नाश कर देगा। इसलिए व्यक्ति को सदा ही सावधानी पूर्वक सुरक्षित ढंग से जीना चाहिए तथा इन क्षणिक जीवन और संपत्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। कभी भी इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। सादा, सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से जीवन जीना चाहिए।